हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं आपके राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ यूनिट सेकेंड की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 9 है ये। 8 प्रश्नों को हम पहले देख चुके हैं, अब ये 9वां प्रश्न अभी देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे और किस प्रकार हमें लिखना है समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न कह रहा है अरस्तु के राज्य विषयक अवधारणा का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अरस्तु की जो राज्य विषयक अवधारणा है, हमें इसका उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अरस्तु की राज्य संबंधी की अवधारणा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे कि अरस्तु अरस्तु अपने गुरु, ठीक है, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के, ठीक है, सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है, ठीक है, सोफिस्ट वर्ग के विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? समझौते हुई है, और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही क्या होता है, व्यक्ति जो होता है अरस्तु के अकॉर्डिंग, कि व्यक्ति जो होता है वो अपनी प्रकृति से ही एक अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। उसका जैसा उसका नेचर, अपने नेचर से ही कैसा है, एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। व्यक्ति जो है अपने नेचर से ही कैसा है, राजनीतिक प्राणी है। कौन कहता है ये? अरस्तु कहता है, ठीक है। चलिए, और राज्य, ठीक है, और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही क्या है, परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिक, ठीक है, सामाजिक राज जो है मनुष्य की जगह क्या सामाजिकता का क्या है, परिमाण है, ठीक है। आगे बात करें तो सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, ठीक है, जो अन्य जीवधारी उनमें भी क्या पाया जाता है, सामाजिक जीवन पाया जाता है। तो परंतु व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति विचारशील और विवेकशील कैसा है, प्राणी है। व्यक्ति कैसा है? विचारशील और विवेकशील, ठीक है, प्राणी है। इसीलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी, ठीक है, अन्य श्रेणी के जीवधारियों से कैसी होती है, भिन्न, यानी कि अलग अलग होती है। यह सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों, ठीक है, मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति तथा मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर कैसी होती है, बेस्ड होती है, यानी आधारित होती है। और इसने अनेक परिस्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त कर लिया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था, कौन सी, कुटुंब, ठीक है, कुटुंब की स्थापना की, जिसने पति पत्नी संतान और क्या दास एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसी कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, ठीक है, इसी कौटुंबिक व्यवस्था में हमें क्या दिखाई देता है, राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कुटुंब का स्वामी क्या होता है, शासक के रूप में कार्य करता है, किंतु व्यक्ति के केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, ठीक है, व्यक्ति केवल जो है सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसीलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव निर्माण करते हैं, ठीक है, गांव निर्माण कर लेते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी, ठीक है, ग्राम भी होता है व्यक्ति की सभी भौतिक, ठीक है, ग्राम जो है व्यक्ति की सभी भौतिक बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। अतः ग्रामों के सम्मिलन, ठीक है, से नगर राज्यों का जन्म होता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। अरस्तु द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा भी यह बताती है कि उसके अनुसार राज्य कुल और, ठीक है, कुल और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, ठीक है। अब राज्य का स्वरूप और उसकी विशेषताएं, ठीक है, राज्य का स्वरूप और विशेषताओं की बात करें तो अरस्तु के अनुसार राज्य के स्वरूप और उसकी विशेषताओं का अध्ययन कुछ निम्न शीर्षकों की सुगमता के अंतर्गत किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा, कौन कौन से निम्न पॉइंट हो जाएंगे आपके? तो पहला पॉइंट हो जाएगा राज्य स्वाभाविक कैसा समुदाय, ठीक है, राज्य कैसा स्वाभाविक समुदाय है, ये हो जाएगा पहला हेडिंग। तो ये हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे अरस्तु का विश्वास है। क्या विश्वास है अरस्तु का? कि मनुष्य एक कैसा राजनीतिक प्राणी है, कैसा है, मनुष्य एक कैसा पॉलिटिकल प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, और राज्य एक कैसा स्वाभाविक समुदाय है, यानी कि स्वाभाविक कैसा कम्युनिटी यानी समुदाय है, ठीक है।
आगे बात करें तो राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की कैसा अभिव्यंजना है, ठीक है। राज्य जो है मनुष्य की भावनात्मक जीवन की कैसी अभिव्यंजना है, ठीक है। आगे बात करें और इससे क्या होता है, अभिव्यंजना तो हो गई इसकी, फिर इससे आगे बात करें और इससे अलग रहकर अपने जीवन के लक्ष्य की, ठीक है, इससे अलग रहकर अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार की ही कैसी बृहत रूप होने के कारण है, यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार, ठीक है। अगली हेडिंग डालें, अगला देखेंगे तो राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ कैसा मनुष्य के लिए आवश्यक भी है, ठीक है। यह हेडिंग नहीं है, कैसा है, आवश्यक भी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का अस्तित्व होता है, ठीक है। परिवार में व्यक्ति की कुछ, ठीक है, परिवार में जो होता है व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ग्राम इनके अतिरिक्त, ठीक है, ग्राम जो है इनके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य से ही क्या होता है, संभव होता है। इस प्रकार अरस्तु अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य का उदय जो होता है जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट जो क्या है, आगे बात करेंगे तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ठीक है। राज्य जो है व्यक्ति से क्या है, व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ठीक है। ये हेडिंग डालेंगे, अब यहाँ पर बात करेंगे आगे तो अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है ना। स्टेट इज अ प्रायर टू इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल यहाँ पर गलत है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हिंदी में देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य है क्या है कि ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य है यह नहीं था, ठीक है, कौन सा तात्पर्य नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से बात करें तो राज्य का जन्म पहले हुआ है, बल्कि मनुष्य कहने का अभिप्राय यह है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ठीक है, कैसा पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, ठीक है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, राज्य जो है पूर्ण समुदाय है, ठीक है। अरस्तु का कथन है कि समय समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अधिक विकसित है, ठीक है। अब राज्य सर्वोच्चता, ठीक है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अगली हेडिंग डालेंगे तो परिवार, ग्राम, राज्य, ये सभी क्या है, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, ठीक है। प्रत्येक समुदाय की क्या स्थापना किसी प्रकार की कैसी अच्छाई या श्रेष्ठता, ठीक है, किसी भी प्रकार की क्या होती है, अच्छाई या फिर श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है, ठीक है। परिवार या ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य जो होता है वो होता है क्या, सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना, ठीक है, किसकी, सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं बल्कि वह सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा है, ठीक है, और पंक्ति के, ठीक है, पंक्ति के भौतिक बौद्धिक, ठीक है, भौतिक बौद्धिक एवं नैतिक, ठीक है, नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है, ठीक है। इस प्रकार राज्य सर्वोच्च समुदाय है और सभी समुदाय इसके क्या होते हैं, इसके अंक में लिपटे हुए हैं, ठीक है, ये में अलग होगा, ये जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, अंक में लिपटे हुए हैं। अब आगे बात करें तो राज्य का स्वरूप कैसा, जैविक है। अगली हेडिंग डाल देंगे, राज्य का स्वरूप जैविक, ठीक है, राज्य का स्वरूप जैविक है, ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है और उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, संपूर्ण सावयव, ठीक है, ऑर्गेनिक होल, ठीक है, संपूर्ण सावयव यानी ऑर्गेनिक होल है। व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं, ठीक है, व्यक्ति और जो कम्युनिटी है, ठीक है, क्या है, इसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों को समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदाय, ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, व्यक्तियों और
समुदाय का जो कुछ महत्व है वे सभी राज्यों को महत्व देने वाली शक्तियों के कारण ही है। ठीक है, राज्य के अभाव में वे सब जड़ हो जाएंगे और इनका विनाश हो जाएगा। ठीक है, राज्य नहीं हुआ तो इन सबका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में ही रहकर अपना विकास कर सकता है। एवंस्टीन, ठीक है, एवंस्टीन के अनुसार बात करें तो अरस्तु ने अपने इस विचार के आधार, ठीक है, अरस्तु ने जो है इस अपने इस विचार के आधार पर राज्य के जैविक धारणा की नींव रखी। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे राज्य कैसा आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भर की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। ठीक है, आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं, ठीक है, यानी खुद के द्वारा स्वयं पूरा करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति के भौतिक आवश्यकताएं आंशिक रूप से ही पूरी हो पाती हैं। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक यानी कुछ रूप से कुछ ही पूरी हो पाती हैं। राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही राज्य व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताएं उसकी बौद्धिक तथा नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी करता है। अतः राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता और इसी कारण से आत्मनिर्भर संगठन कहा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे क्या डालेंगे, तो नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ। ठीक है, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ और राजनीतिक संगठन है। ठीक है, अरस्तु के लिए प्लेटो की ही बात ही नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था, यद्यपि उसके जीवन काल में ही क्या होता, फिलिप में यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में, ठीक है, अरस्तु ने जो है इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल ही विचार नहीं किया। ठीक है, कुछ भी विचार नहीं किया उसने। भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की भी कल्पना नहीं की है, जो कि नितांत स्वाभाविक था। ठीक है, उसने तो अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। ठीक है, अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान कहा और पूर्णता में एक साझेदारी है। ठीक है, समस्त विज्ञान कहा और क्या कहा, पूर्णता में एक साझेदारी कहा। अगली हेडिंग देखेंगे तो राज्य के उद्देश्य और कार्य। ठीक है, राज्य के उद्देश्य क्या होने चाहिए और उसके कार्य क्या होने चाहिए। अरस्तु का कथन था कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए यह अस्तित्व में बना हुआ है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक कैसा सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक अच्छा यानी पॉजिटिव गुड है। इसका कार्य केवल बुरे कामों तथा अपराधों को रोकना ही नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्गों पर आगे बढ़ाना भी है। ठीक है, आगे बात करें, इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है क्या है, इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है तो व्यक्ति के जीवन, ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा भी वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसका लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। संक्षेप में वह राज्य को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। कौन कौन से कार्य को सौंपता है तो पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा व्यक्ति की श्रेष्ठता, ठीक है, प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्यों की आदत के रूप में विकसित करना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपने सदस्यों की प्रकृति, ठीक है, अपने सदस्यों की प्रकृति, ठीक है, प्राकृतिक आवश्यकता को संतुष्ट करना। चौथा पॉइंट हो जाएगा व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपने शारीरिक बौद्धिक नैतिक विकास कर सकें। ठीक है, इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य एक कैसा सामाजिक समझौता नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका विकास हुआ है। ठीक है, जब मनुष्य अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को परिवार तथा ग्राम समाज में ने पूरा नहीं कर पाया तो स्वाभाविक रूप से राज्य का विकास हुआ। ठीक है, अरस्तु ने राज्य को मनुष्य से पूर्व क्या कहा था, संस्था कहा, और मनुष्य के शारीरिक, ठीक है, शरीर के अंगों से राज्य की तुलना कर उसको एक पूर्ण रूप क्या कर दिया, पूर्ण रूप प्रदान किया था। ठीक है,
पूर्ण रूप प्रदान किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे लगता है आपका यहाँ समाप्त होता है, और बिल्कुल सही बात है, प्रश्न आपका हो रहा है यहाँ पर समाप्त है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू देखने के लिए।